सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय के सातवें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, भई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अर्थात मत्तः परतरम, मेरे से पर, मेरे से और परे कुछ भी नहीं है। हे धनंजय, मेरे से परे कुछ भी नहीं है। यहाँ परतरम जो है दो चीज़ों की तुलना के लिए होती है, परंतु यहाँ पर मुख्य उद्देश्य यह बताने के लिए है कि भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। इसीलिए यहाँ पर परतरम का प्रयोग किया गया है, अन्य कुछ भी नहीं है। कठोपनिषद में भी यह आया है, पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। अर्थात पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही सबकी परम अवधि है, वही सबकी परम गति है। तो पुरुष से परे और कुछ नहीं है, परमात्मा से परे और कुछ भी नहीं है, यह हम लोगों के शास्त्रों का आदेश रहा है, शुरू से ही निर्देश रहा है, ज्ञान की घोषणा रही है। तो यहाँ पर धनंजय को, यानी अर्जुन को धनंजय कहते थे, क्योंकि उसने तमाम तरह के धनों को अर्जित किया था अपने अभियान में, सभी राजाओं को परास्त करके और सभी को मजबूर कर दिया था कि इंद्रप्रस्थ के प्रति सब लोग समर्पित हो जाएं और सब जो है अधीनता स्वीकार करके कर दें। तो इसलिए अर्जुन का एक नाम धनंजय था, और ज्ञान रूपी धन का अर्जन करने की वजह से भी अर्जुन को धनंजय कहा जाता है। तो कहते हैं, हे धनंजय, मेरे से परे और कुछ भी नहीं है, मैं ही यानी सब कुछ हूँ। भगवान ने एक जगह कहा है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्रज्ञ भी मैं हूँ, क्षेत्र भी मैं हूँ, यानी अपरा प्रकृति परा प्रकृति भी मैं ही हूँ। कोई अपरा परा प्रकृति मुझसे परे नहीं है, यानी जितने इस अस्तित्व के विभाग दिखते हैं, जिसमें ब्रह्मांड के तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, सूरज हैं, उपग्रह हैं, अणु हैं, परमाणु हैं, चाहे और वैज्ञानिकों ने अभी जो खोजे हैं, क्वार्क हैं और बोसोन हैं, जो कुछ भी हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो कुछ भी है, जितने सारे जीव हैं, जितने सारे भौतिक तत्व हैं, पहाड़ हैं, नदी हैं, जो कुछ भी है, ये भिन्न भिन्न लोक, भिन्न भिन्न योनियाँ, ये सब जो है वह अपरा प्रकृति के तहत ही है। और अपरा प्रकृति और परा प्रकृति, चाहे जीवात्मा हो, चाहे भूतात्मा हो, कुछ भी हो, ये सब मैं ही हूँ, मुझसे परे कोई नहीं है। तैतृय उपनिषद में भगवान ने कहा है, अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो
अहम अन्नादः, यानी मैं ही अन्न हूँ और मैं ही अन्न खाने वाला भी हूँ, यानी मैं ही सृजन करता हूँ और मैं ही विनाश करने वाला भी हूँ। भगवान ने कहा है अमृतम चैव मृत्युश्च सद सत चाह अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ और सद और असत, सत असत जो कुछ भी है सब मैं हूँ, मुझसे परे इसलिए कुछ नहीं है। मत्तः परतरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजय। अब आगे भगवान कहते हैं मई सर्वमिदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, मैं ही ओतप्रोत हूँ, पूरे अस्तित्व में मैं ही व्याप्त हूँ, मैं ही व्यापक हूँ, मैं ही व्याप्य हूँ, मैं ही व्याप्त हूँ, सब मैं ही हूँ। और किस तरह से सूत्रे मणिगणा इव, यह बहुत महत्वपूर्ण एक इस श्लोक का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसके आधार पर ही आधुनिक विज्ञान में भी, भौतिक विज्ञान में भी कई जो है सिद्धांत विकसित हुए, जिसमें कि स्ट्रिंग थ्योरी है, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी हुई, एम थ्योरी हुई, जो कि एडवर्ड विटन और जुआन बेल डेसना आदि ने विकसित किया। ये सब जो सिद्धांत हैं सुपर स्ट्रिंग थ्योरी के, सूत्र स्ट्रिंग को कहते हैं अंग्रेजी में, सूत्र को स्ट्रिंग कहा जाता है। तो स्ट्रिंग थ्योरी, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी, एम थ्योरी, ये सब थ्योरी, ये सब सिद्धांत बने इस अस्तित्व को व्याख्यायित करने के लिए, इनके संबंधों को व्याख्यायित करने के लिए। पहले था कि यह अस्तित्व जो है उसके जो सूक्ष्म स्वरूप हैं वो पार्टिकल डॉट की तरह हैं, बाद में हुआ कि नहीं ये धागे की तरह है, सुपर स्ट्रिंग, और धागे की तरह से जुटे हुए हैं, यानी इसी से विकसित होकर के मैट्रिक्स थ्योरी भी बना है। तो इस थ्योरी में ये बताया गया कि किस तरीके से सब जो है इस तरह से रिलेटेड हैं कि वे ही एक दूसरे के बदले हुए रूप हैं। तो आइंस्टीन ने जो थ्योरी ऑफ एवरीथिंग देने की कोशिश की थी, उसी तरह ये इसी से निकला हुआ है सूत्रे मणिगणा इव। यहाँ भगवान कह रहे हैं सूत्रे मणिगणा इव, यानी सूत की जो मणियाँ हैं जिसमें कि सूत पिरोया गया है, तो सूत की मणियाँ हैं और उसमें सूत से ही इसको पिरो दिया गया है। ये संसार इसी तरह से है, यानी मणि जो है वो सूत की है और वही सूत जो है उसको सबको पिरो करके एक बांध करके रखा है, यानी मूलतः जो है सब कुछ सूत ही है। यानी मूलतः अगर भगवान के अर्थ में कहें तो सब कुछ भगवान ही है, चाहे जितने भी ये सब दिख रहे हैं अंश दिख रहे हैं, जितने भी हम लोगों को अलग अलग भिन्न भिन्न आकृतियाँ विकृतियाँ ये सब जो दिखती हैं, ये सब सब चाहे कोई भी देश काल हो, कोई भी परिस्थिति हो, कोई व्यक्ति वस्तु या कोई घटना हो, उन सब में सब एक ही चीज़ व्याप्त है और वह ईश्वर हैं। भगवान कहते हैं कि वह मैं ही हूँ। तो यहाँ पर जो सुपर स्ट्रिंग थ्योरी है वो इसी तरह से बतला रहा है कि सब कुछ जो है वो स्ट्रिंग नुमा है और सब कुछ एक मैट्रिक्स से रिलेटेड है और वही अपना रूप बदलता रहता है। तो फिजिक्स का यह सिद्धांत भगवान के इसी सिद्धांत से निकला है जो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। तो यह श्लोक इस अर्थ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसने फिजिक्स के एक सिद्धांत को यहाँ से निकाला है जो आज का आधुनिक सिद्धांत है, जिसमें कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से अनरिलेटेड नहीं है, यानी असंबंधित नहीं है, हर चीज़ संबंधित है एक दूसरे से, और इस अर्थ में संबंधित है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ बन जा रही है, वही चीज़ दूसरी चीज़ बन जा रही है, सब में एक ही चीज़ प्रवाहित है, एक ही तत्व सब में प्रवाहित है। ये धीरे धीरे फिजिक्स भी मानता जा रहा है, आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी इस चीज़ को मान रहा है कि इस अस्तित्व में ब्रह्मांड से लेकर के परमाणु से भी सूक्ष्म और जो मिले हैं वो सब एक दूसरे से संबंधित हैं और रूपांतरण इनका हो रहा है। कोई भी फोर्स हो, चाहे न्यूक्लियर फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, गुरुत्वाकर्षण शक्ति हो, चाहे चुंबकीय शक्ति हो, चाहे किसी प्रकार की कोई शक्ति हो या कोई तत्व हो, तो सारी शक्तियाँ और सारे तत्व जो हैं मूलतः एक ही हैं। यही जो है मैट्रिक्स के तहत बात आती है
तो यही यहाँ भगवान कहना चाह रहे हैं और वही कह रहे हैं कि मेरे सिवाय कुछ नहीं है, सब मैं ही में हूँ, सर सत चाहम अर्जुन। और फिर भगवान ने यह भी कहा है कि वासुदेव सर्वमिति, यहाँ पर सब कुछ वासुदेव हैं, उसके सिवाय कुछ नहीं है। यही अद्वैतवाद का सिद्धांत है, यही वास्तव में अद्वैतवाद है जो सभी द्वैतों को एक तरह से समाप्त कर दे रहा है। ये द्वैत भाषित भी इसीलिए होते हैं अज्ञानता की वजह से, अन्यथा कहीं पर कोई द्वैत नहीं है, कहीं कोई द्वंद्व नहीं है। और यह सिद्धांत जो है भगवान का, ये सूत्र सब जगह जो तुम्हें दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न सूत्र दिख रहे हैं, भिन्न भिन्न जो मणियाँ दिख रही हैं, और वास्तव में मैं ही हूँ। जो संसार में तुमको भिन्न भिन्न चीज़ें दिखती हैं वो भिन्नता कुछ नहीं है, विद्यमान अभिन्नता है। वह भिन्नता तुम्हें अज्ञानता की वजह से दिखती है, ज्ञान हो जाने पर वह कहीं पर भिन्नता का उस तरह का बोध नहीं रहता है ज्ञानी को, पूर्णतः उसमें अभिन्नता की स्थिति आ जाती है और पूरे अस्तित्व में उसे सिर्फ परमात्मा ही व्याप दिखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उच्यते, यह परिपूर्ण है, परमात्मा ही परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा है, यही यहाँ पर दिखता है और कुछ नहीं। ओम हरि, यही श्लोक का अर्थ हुआ, सिर्फ हरि ही हरि हैं, हरि के सिवाय कुछ नहीं है। इसी का मंतव्य या गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों में से इस वजह से एक हो जाता है। तो यहाँ पर श्लोक का यही अर्थ भगवान बता रहे हैं कि मेरे से परे और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं का मतलब जो तुलना के अर्थ में जो समझते हैं कि कुछ है, तो बतला रहे हैं कि और बाकी जो तुम्हें कुछ दिखता है वह भी मैं ही हूँ, तो मेरी तुलना नाम की कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है, क्योंकि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तो तुलना कहाँ से होगी। तो यही कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ और कुछ नहीं। ओम हरि। ओम।